2014 में कहा अच्छे दिन आएंगे, 2019 में कहा मोदी नहीं तो कौन, मोदी को अगर नहीं लेकर के आओगे तो देश की सुरक्षा कौन करेगा, पड़ोसी देश हमारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार है, उससे कौन लड़ेगा, मोदी के सामने क्या विकल्प है, ये 2019 में बोला गया। अब वो भी हमने देख लिया, पुलवामा की हकीकत सामने आ गई, उनके ही द्वारा बनाए गए राज्यपाल ने उस पर सवाल पूछ दिया, तो अब वो गोल पोस्ट शिफ्ट करके जानते हैं क्या कह रहे हैं, डंका बज रहा है, कहां, दुनिया में, मतलब गर्व की अनुभूति से रोटी के सवाल को ये भुला देना चाहते हैं। हम अमेरिका को देख करके समझेंगे कि महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। कल बीजेपी के एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और हमारे इस 9 साल 9 सवाल के जवाब में जानते हो क्या कह रहे थे, महंगाई तो अमेरिका, महंगाई तो यूक्रेन में भी बढ़ गया है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम है, इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन हो गई है, पांचवें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है। दिल पे हाथ रख करके पूछिए, आपको ये अपना जेब देखने की जरूरत है कि न्यूयॉर्क देखने की जरूरत है, सोच के बताइए। आपके इर्द गिर्द लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं कि नहीं भटक रहे हैं, हर चीज आपको दोगुने रहा है, तो फिर से उन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दिया है। और इस बार वो ये नहीं कहने वाले हैं कि मोदी नहीं तो कौन, जानते हो क्या कहेंगे, विश्व में नाम हो रहा है, विश्व गुरु जो है रोजी रोजगार और नाला का पानी और बिजली और किसान और मजदूर, महिला सुरक्षा, महंगाई, इन चीजों में फंसे हुए हैं, विश्व में नाम हो रहा है। अरे क्या चीज में नाम हो रहा है भाई, उस नाम को लेकर के हम क्या करेंगे जब 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी होगी, दुगनी महंगाई होगी, हर तरफ जो है लोगों को नफरत के आधार पर लड़ाया जाएगा, इंसान को आपस में बांटा जाएगा, उस नीति पे यह सरकार चल रही है जिस नीति पे अंग्रेज चला करते थे, फूट डालो राज करो, तो फूट डालो राज करो कि यह राजनीति नहीं चलेगी। जो वादे सरकार ने किए थे उन वादों पर हम सरकार से सवाल करेंगे और एक मजबूत विपक्ष की जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए बार बार यह पूछेंगे कि 9 साल देश बेहाल, 9 साल देश बेहाल, दोस्त मालामाल, और ये देश के नाम पे दोस्त की राजनीति नहीं चलेगी। देश हम सबसे बनता है और हम सबका सवाल, रोजी रोटी का प्रामकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का सवाल, यह सवाल हम पूछेंगे।